नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैं सर क्या कहूँ कि मैं जिंदगी तो पहले भी जी रही थी, लेकिन जिंदगी का असली मकसद मुझे सर मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैम के पास गई तो मैम के पास मैं 2008 से थी, जब मुझे कैंसर की प्रॉब्लम थी। मैम को मैं तब से जानती हूँ, लेकिन वही है कि मेरा मिलना नहीं हुआ मैम के साथ। और मैंने मैम की अब क्लास 18 दिसंबर से शुरू की, आज मुझे पूरे 5 महीने हो गए, लेकिन इन 5 महीनों में मेरी लाइफ जो पहले थी उससे इतनी बेटर हो गई है वो मैं नहीं बता सकती। ये है कि अब जिंदगी जीने का एक मकसद मिल गया मुझे कि मुझे जिंदगी अपनी कैसे जीनी है। दूसरा ये कि जैसे मैम ने डाइट और उसकी कही, ये नहीं होता कि उससे वेट ही कम करना होता है। मेरी उससे जो शुगर की प्रॉब्लम थी वो कम हो गई है बिल्कुल। जैसे मेरा एचपी बहुत ज्यादा आ रहा था बढ़ के, उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ है। और उसके साथ साथ मैम मैंने अपने हस्बैंड को भी डाइट करवाई साथ साथ, क्योंकि उनको किडनी में प्रॉब्लम थी, प्रोटीन बहुत ज्यादा आ रहा था। और मैंने 1 महीना बिल्कुल रेगुलर किया, और मैम ने मुझे बोला था कि फॉरगिवनेस करनी है, तो मैंने रूटीन में 21 दिन बिल्कुल रेगुलर किया। और 1 महीने के बाद मैंने रिजल्ट बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट, मतलब कि मैं कह नहीं सकती, जो इतना अप था प्रोटीन वो बिल्कुल ओके आ गया, उसमें कोई मुझे वो नहीं है। दूसरा ये, जब से मैं सर की क्लास ज्वाइन की, सबसे पहले मैं इसलिए गई थी, साथ वाले दीदी ने मुझे इसलिए भेजा था क्योंकि मेरा जो कंधा था वो मेरा बिल्कुल जाम हो गया था शुगर की वजह से। तो मैं सर की क्लास से मैंने अटेंड की, विद इन 1 महीने के अंदर अंदर मेरा कंधा उठने लग गया, मतलब कि जो बिल्कुल जाम था। एक्सरसाइज से मुझे इतना फायदा हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। और दूसरा ये कि मुझे वो, शायद मैंने मैम को भी डिस्कस नहीं किया, कि मुझे जैसे अप्रैल का महीना मौसम चेंज होता है, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी, मुझे सांस उखड़ती थी, लेकिन जैसे मैं योगा एंड मेडिटेशन करने लगी हूँ तो मुझे इस बार कोई सांस उखड़ने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसे दमखसी सी चढ़ जाती थी, मुझे इस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अब की बार, क्योंकि मैं योगा और मेडिटेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। और मेडिटेशन का मुझे बिल्कुल भी कुछ भी ABCD नहीं पता थी, ना मुझे अध्यात्म के बारे में कुछ भी पता था। जो कुछ भी मैंने सीखा ए से लेकर अभी शुरुआत ही है, वो सिर्फ मेरी अन्ना मैम से ही मैंने सीखा है, और मुझे हर चीज में फायदा ही फायदा हुआ है। मुझे सबसे पहले मैं अपने ऊपर ही वर्क किया, मेरी हेल्थ ठीक है, अपने हस्बैंड के ऊपर वर्क किया वो भी ठीक है, एंड रिलेशन रिलेशन के ऊपर भी जैसे जैसे मैम ने बोला तो बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। मैं बहुत, मतलब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।